आज जिनकी पुण्यतिथि है एक जानी मानी हस्ती, ऐसी हस्ती जिन्होंने कई रचनाकारों को अपने लेखन से प्रभावित किया। आज पुण्यतिथि है देथा बिज्जी विजयदान देथा की। ये जाने माने लोक कथाकार, उपन्यासकार और संपादक भी थे। बातारी फुलवारी, कबूरानी, उलझन, टीटो राव इनके कुछ मुख्य रचनाएं रहीं। साहित्य जगत में योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, मरुधरा पुरस्कार भी, इसके अलावा और भी कई पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए और बिज्जी की रचनाओं में लोक कथाओं और कहावतों का गजब का संकलन मिलता था। इसलिए जो भी इन्हें पढ़ता था इनका फैन हो जाता था। इनकी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ और इनकी कई रचनाओं पर नाटक तैयार किए गए, यहां तक कि इनकी कहानियों पर फिल्में भी तैयार की गई, फिल्मों की पटकथा लिखी गई इनके लेखन पर। पढ़ लिख के बड़ा हो के तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना।
कितना प्यारा गाना ये था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफी दिन बाद सुना। आपको कैसा लगा आप हमें समय समय पर बता सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज है जन्मदिवस। आज जन्मदिवस है रोहिणी खादिलकर का। ये प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार और छत्रपति पुरस्कार विजेता हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियन बनने वाली रोहिणी की वुमन इंटरनेशनल मास्टर को भी इनको खिताब प्राप्त हुआ है। और 1981 में इन्होंने एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। और खास बात यह है कि ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी, और इसीलिए ये न सिर्फ भारतीय लड़कियों की बल्कि जो बालिकाएं हैं जो खेल में रुचि लेती हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल फिगर ये हैं। और सच में जब शतरंज खेलने के लिए तैयार होती थी रोहिणी तो कहा जाता है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी इनके सामने अनाड़ी साबित हुए। ¡Gracias!
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया ध्यान दें, IGL की पीली कलर की गैस पाइपलाइन, रेगुलेटर, मीटर जैसे कोई भी इक्विपमेंट के आसपास बॉम्ब, पटाखे, मोमबत्ती, दिए आदि ना जलाएं। इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। किसी भी इमरजेंसी में तुरंत कॉल करें 155216 पर। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। शशि, इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहां देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियां, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ, और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव, भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। घर हो या ऑफिस, हर जगह रहती हो दो कदम आगे। बात जब देश को आगे बढ़ाने की हो तो भी रहो हर दम आगे। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं, चलो वोटिंग के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिविजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हां, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, और आज इस कार्यक्रम में आपके और मेरे साथ हैं कुछ गुदगुदाते नगमे भी, कुछ चुहलबाजियां, कुछ मीठे से गीत और साथ ही कुछ मीठे मीठे उलाहने भी, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस कलाकार की जिनके साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है और जिन्होंने पर्दे पर ये बेहद सहज तरीके से उतारा अपने अलग अलग किरदारों में। आपको सुनवा रही हूँ एक गीत, सुनिए और अंदाजा लगाइए किनकी बात हम कर रहे हैं। बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, हो या नरमी अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, वो हैं अरे जो हैं हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो हैं हिम्मत वाले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में
बंबई का बहाबू। आया हूँ मैं बंजू रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी अरे कामंडी गाना गाके। आया हूँ मैं बंजू रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी मैंने कामंडी गाना गाके। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, ए मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अंजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अंजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। जी कुछ अंदाजा लगाया आपने। वैसे मुझे लगता है कि आपके जहन में तस्वीर अच्छे से उभर आई होगी कि आज हम किस बेमिसाल कलाकार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज अपने इस कार्यक्रम में उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी किस्मत आजमाने बम्बई तो पहुंचे, बम्बई का बाबू बने और फिर किस्मत ऐसी चमकी कि ये हिंदी फिल्मों के शुरुआती स्थापित हास्य अभिनेताओं में गिने जाने लगे। आज हम बात कर रहे हैं जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर की। वैसे तो इनका नाम बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी था, लेकिन उन्होंने उस समय के एक लोकप्रिय पेय पदार्थ से ये नाम उधार लिया और बन गए जॉनी वॉकर। कुछ समय बाद इनकी प्रसिद्धि जो थी वो इतनी ज्यादा हो गई, इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई कि लोग चकराने लगे कि किसने किससे नाम उधार लिया है और कौन ज्यादा फेमस है। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।
सुन 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 अरे बाबू सुन इस चंपी में बड़े बड़े गुण सुन 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 अरे बाबू सुन इस चंपी में बड़े बड़े गुण लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए काहे घबराए काहे घबराए सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए नौकर हो या मालिक लीडर हो या पब्लिक अपने आगे सभी झुके हैं क्या राजा क्या सैनिक नौकर हो या मालिक लीडर हो या पब्लिक अपने आगे सभी झुके हैं क्या राजा क्या सैनिक सुन 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 अरे राजा सुन इस चंपी में बड़े बड़े गुण सुन 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 अरे राजा सुन इस चंपी में बड़े बड़े गुण लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए काहे घबराए काहे घबराए सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर वो विरह की दास्तां मोहब्बत का फसाना ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में वो रूठना मनाना वो हंसना रुलाना ये सब नगमों की सौगात है बीते दिनों की याद ये है चांद का रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 शाम 6:00 सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल सरस आजीविका मेला गुरुग्राम जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार यूपी उत्तराखंड हिमाचल कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद वह भी वाजिब दाम में और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवम्बर लेजर वैली पार्क ग्राउंड सेक्टर 29 गुरुग्राम सुबह 11:00 से रात 9:30 तक भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क गिरीश भाई आपने वोटिंग की तैयारी कर लिया ना अरे कहाँ महेश हम तो अभी दिल्ली आए हैं हम कहाँ वोट दे सकते हैं अरे आप बिल्कुल वोट दे सकते हैं अगर आपके रहने की जगह बदल गई है या फिर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं जी हाँ अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में निवास स्थान परिवर्तित करते हैं या दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो अपने नए पते के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएं और याद रहे पुराने पते से नाम कटवाना अनिवार्य है आप अपने नजदीकी मतदाता केंद्र पर जाकर भी फॉर्म 8 भर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कृपया ध्यान दें IGL की पीली कलर की गैस पाइपलाइन रेगुलेटर मीटर जैसे कोई भी इक्विपमेंट के आसपास बॉम्ब पटाखे मोमबत्ती दिए आदि ना जलाएं इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है किसी भी इमरजेंसी में तुरंत कॉल करें 155216 पर हैप्पी दिवाली सेफ दिवाली ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर
आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप इस समय सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, और आज इस कार्यक्रम में अब हम बात कर रहे हैं अपने समय के जाने माने हास्य अभिनेता, ऐसे अभिनेता जो आज भी जो कॉमेडियंस हैं उनको प्रेरित करते हैं अपने अलग अलग अंदाज से। हम बात कर रहे हैं जॉनी वॉकर की। जॉनी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एक कारखाने में काम किया करते थे और नए काम की तलाश में इनका पूरा परिवार मुंबई आ गया था, क्योंकि उस समय उन्हें काम करने में कुछ दिक्कत हो रही थी। जॉनी वॉकर ने बहुत कम पढ़ाई की थी और छोटी उम्र से ही परिवार की मदद करना चाहते थे, तो ऐसे में ये बस कंडक्टर के रूप में काम करने लगे। लेकिन जब बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे तब भी इनका जो मस्खरापन था वो जो सवारियां होती थी उन्हें बहुत लुभाता था, और क्योंकि उस समय जो फिल्म से जुड़े हुए लोग थे वो भी बस से आम तौर पर सफर किया करते थे, तो ऐसे में जब ये कंडक्टर थे तब इनकी बहुत सारे ऐसे लोगों से दोस्ती हुई जो फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग काम किया करते थे, और इन्हें लगा कि मैं बस कंडक्टर के रूप में अपने परिवार की जो सहायता कर पाता हूं, हो सकता है काम बदलने से मुझे ज्यादा धनराशि मिले और मैं परिवार की अच्छे से मदद कर पाऊं। ऐसे में इन्होंने नए काम की तलाश भी की, पुराने काम भी जारी रखे, नए दोस्त भी मिलते गए, और क्योंकि ये सबको हंसाते थे, सबको गुदगुदाते थे, दूसरों की नकल किया करते थे और हर परेशानी का हल भी हंसते हंसते निकालते थे, इसलिए लोगों के बीच जल्द ही ये लोकप्रिय होते चले गए अभिनेता बनने से पहले ही, यानी कि इनके जो दोस्त थे वो भी इनके फैन होने चले होते रहे, और बस फिर उसके बाद शुरुआत हुई फिल्मों में काम करने की। अब ये सफर इतना आसान तो है नहीं, तो शुरुआती संघर्ष जॉनी वॉकर के साथ भी रहा, लेकिन फिर भी जो चुनौतियां आई इन्होंने हंसकर मुस्कुराकर उन सभी का सामना किया। फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करते रहे, कभी क्राउड का हिस्सा रहे तो कभी कुछ ऐसे किरदार भी किए जो जब फिल्म बनी तो उस वक्त वो रोल कट चुका था, वो एडिट हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने काम करना जारी रखा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस,
खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस एक चीज के है कई नाम यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान कहता ऐसा भोला तो न बन जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन दादागीर नहीं चलने की यहाँ ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है आसा जीना सुनो मिस्टर सुनो बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया ध्यान दें, IGL की पीली कलर की गैस पाइपलाइन, रेगुलेटर, मीटर जैसे कोई भी इक्विपमेंट के आसपास बॉम्ब, पटाखे, मोमबत्ती, दिए आदि ना जलाएं। इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। किसी भी इमरजेंसी में तुरंत कॉल करें 155216 पर। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। संगीत का श्रृंगार है राग और रागों की दिलकश उड़ान है वो फिल्मी गीत जिन्हें गुनगुनाते हैं हम हर रोज। मधुबन में राधिका मधुरिमा फिल्मी बंदिशों का रागमयी संसार सुनिए हर रोज रात 8 बजे सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये तो आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम इस समय चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम बात कर रहे हैं जॉनी वॉकर की। और ये जो छोटा सा ब्रेक हमने लिया, इस पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से जॉनी वॉकर अपने परिवार की मदद करने के लिए बहुत छोटी उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी काम बदलते गए इस मंशा से कि ज्यादा धनराशि मिलेगी तो परिवार की मदद होगी। और क्योंकि नीयत पाक साफ थी तो लोगों का साथ भी इन्हें मिलता गया। और बस में ही इनकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई। एक बार ऐसा हुआ कि बलराज साहनी की नजर उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि जॉनी वॉकर एक बेहतरीन अभिनेता बन सकते हैं। सही मौका देखकर उन्होंने जॉनी वॉकर की मुलाकात गुरुदत्त से करवाई और उसके बाद तो इन दोनों की केमिस्ट्री कुछ ऐसी रही कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैरान हो जाते थे। क्योंकि गुरुदत्त साहब का जो एक व्यक्तित्व था बेहद संजीदा और अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहते थे। हर जगह जो है उनकी नजर उनके काम से जुड़ी हुई चीजों पर पड़ती थी। और दूसरी तरफ एकदम बेफिक्र और हर वक्त मुस्कुराते रहते, नकल करते रहते, दूसरों को गुदगुदाते रहते जॉनी। ऐसे में इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती भी हुई। दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की और जब ये दोनों साथ में वक्त गुजारते थे उस वक्त भी अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करते हुए अलग अलग किरदार ढूंढते रहते थे। और दोनों ने साथ में जो फिल्में की उस फिल्मों में जो गीत थे वो भी कॉमेडियन पर उस समय तक नहीं फिल्माए जाते थे, लेकिन जॉनी वॉकर पर अच्छे खासे गाने फिल्माए गए और वो गाने फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा भी रहे। आपको सुनवा रही हूं ऐसा ही एक बहुत प्यारा गाना जो उस दौर की हर शादी का हिस्सा बनता था और आज भी बहुत सारी शादियों में लोगों को डांस करने पर मजबूर करता है। Yeah.
मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगराई, मेरे भी घर हो धूम धड़क का और बजे शहनाई, मैं भी सेहरा फाड़ के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलकर बाय। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहार, मैं मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहार, यार को तूने दुल्हन दे दी रह गया मैं ही क्वारा, मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे है, मैं भी हंसूं खिल खिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जो, हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी, आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी, मेरी भी आंखों में जागे ओ ख्वाब नई मंजिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। जॉनी वॉकर अपनी मेहनत से नई नई चीजें लगातार सीखते हुए एक बहुत ही साधारण व्यक्ति से असाधारण शख्सियत बनते गए। ये फिल्म उद्योग के ऐसे पहले हास्य अभिनेता थे जिन्होंने सेक्रेटरी रखा। इन्होंने परिवार को वक्त देने के लिए कुछ नियम भी बनाए और रविवार के दिन काम नहीं करने का नियम बना लिया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को मानना ही पड़ता था, क्योंकि उस समय तक जॉनी ऐसी शख्सियत बन चुके थे जो अपनी शर्तों पर काम करते थे। ये ऐसे हास्य अभिनेता बने जिनके नाम पर एक फिल्म बनी, जॉनी वॉकर। अपने करियर में इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, 300 से ज्यादा फिल्में की, सीआईडी, प्यासा, नया दौर, पैगाम, मुगले आजम, अमरदीप, बात एक रात की, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन फिल्मों में अपने अभिनय से जॉनी वॉकर ने दर्शकों को प्रभावित किया। हास्य भूमिकाओं के साथ साथ इन्होंने कुछ संजीदा भूमिकाएं भी निभाई और ऐसे किरदार किए जो फिल्म की कहानी में अहम रोल रखते थे। फिल्म मधुमती में शानदार अभिनय की वजह से इन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। आपको सुनवा रही हूं मधुमती फिल्म का ही एक गीत। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे हर सामने देखा। जंगल में
मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी टिके जरा झूमे हर सबने देखा जंगल में, मोर नाचा किसी ने ना देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे हर देशों ने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी भी गजर झूमे हाय रे सामने देखा जंगल में, मोर नाचा किसी ने ना देखा। किसी को बूट सूट कोट का नशा है, यारों हमें तो नौटंक का नशा है, हम जो थोड़ी सी भी गजर झूमे हर सामने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी भी गजर झूमे हर सामने देखा जंगल में, मोर नाचा किसी ने ना देखा। और अब हम बात तो कर रहे हैं जॉनी वॉकर की, लेकिन साथ ही एक जरूरी सूचना भी है, वो मैं आपको दे देती हूँ हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई। कल यानी शनिवार को 11 नवंबर को सुबह 10:10 से 11 बजे तक एक विशेष फोन इन कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका विषय है मतदाता सूची में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में मतदाताओं के नामों और विवरण में संशोधन, सूची से नाम हटवाने या फिर जोड़ने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जानकारी। ये हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा और ये फोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान आप लोग सभी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और जो आप ये विषय है और जो आपके सवाल होंगे, इन सब के जवाब देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे मेहमान उपस्थित रहेंगे, श्री अनिल बांका जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्वी जिला दिल्ली और श्री सत्येंद्र कुमार सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पूर्वी दिल्ली। और कार्यक्रम का संचालन हमारे साथी करेंगे। और ये जो सवाल आप हमसे पूछेंगे इसके लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2342-1084 और 2342-2346, 2342-1084, 2342-2346। और ये आप जानते ही हैं कि अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फोन करते हैं तो आपको एसटीडी कोड लगाना होगा जो है 01101। और ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इसके साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। तो कोई भी सवाल अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में होंगे, आपका जो मन करे वो आप जरूर पूछिएगा। और अब एक प्यारा सा गाना, फिर इससे जुड़ी हुई एक बात आपको बताऊंगी। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गमते, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सा...
सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया खामों ने, तेरे लिए ही आनंद। फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गाने को राजेश खन्ना से जोड़ा जाता है और फिल्म में अमिताभ बच्चन के अभिनय की भी तारीफ हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म का जो बेहद फेमस सीन है कि हम सब तो ऊपर वाले के हाथों की कठपुतलियां हैं, इस सीन में जॉनी वॉकर की उपस्थिति भी है। जी हाँ, जब भी अब ये फिल्म आप देखें या फिर आप ये सीन देखना चाहें तो जरूर देखेगा, जॉनी वॉकर इसमें आपको नजर आएंगे। और अब कलाकार बेमिसाल से नीलम मलकानिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।